हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली का हाल आपने देखा तो अनलॉक के दूसरे दिन लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीर तो मुंबई से भी सामने आई है, जहां दादर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ना तो लोगों में और ना ही दुकानदारों में कोरोना का खौफ दिखा। देखिए सहयोगी अतुल सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में आज अनलॉक का दूसरा दिन है, जब लोग मार्केट में उमड़ रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं। इस समय हम मुंबई के दादर मार्केट में मौजूद हैं और अनलॉक के दूसरे दिन किस तरीके से मार्केट में भीड़ जुटी हुई है उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दुकानें जो नॉन एसेंशियल थी वो भी अब खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा रियायत दी गई है। लेकिन दादर मार्केट में आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ को देखते हुए ही मुंबई पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर की गई है। आप देखें मुंबई पुलिस भी यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना लगाएं। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन सोमवार के जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी 7 जून को, तो जिस तरीके से मार्केट में लोग उमड़ रहे थे, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में एक हफ्ते के अंदर ये सारे जो लोगों के मार्केट में उमड़ने वाली भीड़ है, इस पूरी चीज़ों पर उनकी निगरानी रहेगी, उनकी निगाह रहेगी, और अगर इसी तरीके से भीड़ मार्केट में उमड़ती रही, लोग बाज़ारों में दिखते रहे और बेवजह घरों से बाहर निकलने के लिए जो ट्रैफिक जाम रोड्स पे लग रहे हैं वो इसी तरीके से जारी रहा, तो आगे चल के एक हफ्ते बाद वो कड़ा कोई निर्णय ले सकती हैं। आप देखें पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग एक जगह भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क पहने, इस चीज़ को लेकर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कोरोना के मामले 1000 जो केसेस मुंबई में आते थे एक समय, पिछले 5 दिनों से लगातार उससे कम आ रहे हैं। सोमवार के दिन 728 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 28 लोगों की मौत हुई, तो कोरोना के मामले एक तरफ कम हो रहे हैं, राहत उससे तो मिल रही है, लेकिन खतरा जो तीसरे वेव को लेकर है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि इस तरीके से लापरवाही जगह जगह देखने को मिल रही है। और जब मुंबई में हर जगह मार्केट में दुकानें खुल गई हैं, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे बीचेस हो, पार्क्स हो या प्लेग्राउंड्स हो, वहाँ पर भी लोग सुबह 9 बजे तक वॉकिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए या खेल कूद के लिए बच्चे आ सकते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।